हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अभिवांशु, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम ARO के विषय में कुछ आप सभी लोग को जानकारी देने वाले हैं, कुछ आप लोग को दिखाने वाले हैं, जो कि आप सभी लोग हो सकता है कहीं ना कहीं सर्च किए होंगे, पहले ना मिला हो, जानकारी नहीं मिली हो, लेकिन आज के इस वीडियो में आप सभी लोग को वो दिखाने वाले हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस समय ARO की चर्चा पूरे मार्केट में बहुत, मतलब आप लोग यूट्यूब पर देख रहे होंगे, बहुत सारा वीडियो इससे रिलेटेड बन रहा है, क्योंकि बनेगा भी क्यों नहीं, क्योंकि वैकेंसी भी आने वाली है। हो सकता है इस मंथ के लास्ट में या फिर अगले मंथ तक नोटिफिकेशन भी आ जाए, नवंबर दिसंबर तक प्रीलिम्स का एग्जाम भी हो जाए। तो यहाँ पर सभी लोग जो है जानना चाहते हैं कि मतलब टॉपर्स की मार्कशीट वगैरह, क्योंकि अभी हाल ही में आयोग की तरफ से जो है मार्कशीट जारी की गई है, मेन्स के एग्जाम की फाइनल मार्कशीट जारी की गई है। तो अभी आप सभी लोग को इस समय जो ARO का इसके पहले पेपर हुआ था 2021 में, उसके जो टॉपर रहे हैं अवध मान सिंह भदौरिया सर, उनकी मार्कशीट आप सभी लोग को यहां पर दिखाने वाले हैं, किस सब्जेक्ट में कितने नंबर मिले। अब सर के बारे में थोड़ा बताएं तो आप सभी लोग को, जब 2021 का एग्जाम होता था ARO का, वहाँ टॉपर बने थे, और उसके बाद 2022 के UPPCS के एग्जाम में सर DSP की पोस्ट पर सर का सिलेक्शन हुआ। इससे पहले तो बहुत सारे लोग कमेंट्स भी करते हैं, तो उनको थोड़ा बहुत आइडिया हम ARO एग्जाम के बारे में दे देते हैं। तो ARO का जो एग्जाम होता है, पहले प्रीलिम्स का स्टेज होता है, फिर दूसरा स्टेज होता है मेंस का एग्जाम होता है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग, हमने पुराना वीडियो ARO का बनाया था, वहाँ पर कुछ लोग कमेंट्स कर रहे थे कि इंटरव्यू वगैरह होता है कि नहीं, तो भाई यहाँ पर इंटरव्यू नहीं होता है। ARO और ARO की दो अलग अलग पोस्ट होती है, जिसमें ARO होता है, उसके बाद ARO जब पोस्ट होता है उसमें टाइपिंग वगैरह भी होती है, शायद ओ लेवल वगैरह भी मांगता है। वो अभी नोटिफिकेशन आएगा तो सारी चीज़ें जो है क्लियर होंगी, लेकिन यहाँ पर इंटरव्यू नहीं होता है। तो अब यहाँ पर मार्कशीट की बात कर लें कि किस पेपर में कितने नंबर मिले हैं, क्योंकि जब हमें प्रीवियस ईयर के चाहे क्वेश्चन पेपर की बात करें या फिर किसी की मार्कशीट वगैरह देखने को मिल जाती है, तो हमें एक आइडिया लग जाए। यहाँ पर सबसे पहला जो पेपर होता है GS का होता है, तो यहाँ पर जो GS का पेपर होता है ऑब्जेक्टिव होता है, यानी कि यहाँ पर आपको विकल्प वाला रहता है, यहाँ पर आपको टिक करना रहता है। तो यहाँ पर मैक्सिमम नंबर 120 नंबर, और यहाँ पर इन्होंने कितना नंबर गेन किया है, तो यहाँ पर 85 नंबर सर ने प्राप्त किया GS के पेपर में, जो कि ऑब्जेक्टिव होता है। अब दूसरा पेपर जो होता है, जैसे पत्र लेखन वगैरह होता है, तो यहाँ पर 100 नंबर का होता है, लेकिन इसमें से मिला कितना है, 69 नंबर मिला है, 69 नंबर मिला है। और उसके बाद यहाँ पर जो तीसरा पेपर होता है, जिसमें हिंदी का होता है, जनरल वोकेबलरी एंड ग्रामर वगैरह, तो इसमें 5 पार्ट होते हैं हिंदी के, तो यहाँ पर 60 नंबर में कितना नंबर इन्होंने गेन किया है, 49 नंबर यहाँ पर इन्होंने प्राप्त किया। अब यहाँ पर बात करें हिंदी एसे की, जो कि एसे वगैरह तो आपको लिखना पड़ता है। अब यहाँ पर 120 नंबर का पेपर होता है, जिसमें से इन्होंने प्राप्त किया है 69 नंबर। अब यहाँ पर बात करें टोटल नंबर की, टोटल 400 नंबर का आपका मेंस का एग्जाम होता है ARO का, जिसमें से इन्होंने प्राप्त किया है 272 नंबर। अब ये 272 नंबर इन्होंने लाया और ARO 2021 के पेपर में टॉपर बने हैं सर। तो इस तरीके से आप आइडिया ले सकते हैं किस पेपर में हमें कितना, मतलब फोकस करना चाहिए, या फिर कितने नंबर मैक्सिमम हमें जो है यहाँ पर अटेम्प्ट करें, क्योंकि सारा पेपर आप करेंगे कहीं ना कहीं गलतियाँ भी हो जाती हैं सारा कुछ करने में, तो मतलब क्या करना है और क्या छोड़ना है, इस चीज़ की मतलब जानकारी आप इन सभी चीज़ों को देख कर आइडिया ले सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और ये जो मार्कशीट है इसको हम टेलीग्राम चैनल पर भी अपने सेंड कर दें। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और बाकी और भी वीडियो टॉपर्स की आती रहेंगी हमारे चैनल। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा आप सभी लोग को, यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।